तो आज हम बनाएंगे रात की बची हुई रोटी से बहुत ही टेस्टी पोहे। यहाँ मेरे पास करीब रात की 4 रोटियाँ बच गई थी और उन्हें मैंने बहुत ही छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब यहाँ एक कढ़ाई में तेल लेकर हम डालेंगे राई, जीरा, सौंफ, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, बारीक कटे हुए प्याज और बारीक कटे हुए आलू। आलू बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं और नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। एक स्टर देने के बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे करीब 1 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि आलू अच्छे से पक जाएं। थोड़ा सा और पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर और अब आ रही है सारा सूखा मसाला डालने की। थोड़ा सा और नमक, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, इन सभी मसालों को डालकर हम अच्छे से इसे हिला लेंगे और फाइनली हम डालेंगे रात की बची हुई चपाती के टुकड़े जो हमने पहले से करके रखे हैं। ना गई बेटा नाइस स्टार एंड 1-2 मिनट पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे नींबू का रस, थोड़ी सी फ्रेश हरी धनिया पत्ती और फिर इसकी करेंगे प्लेटिंग और सर्व करेंगे इसे भुजिया नमकीन और थोड़ी सी और धनिया पत्ती के साथ।